नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन होने वाला है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसकी लिस्टिंग कल शायद होते दिखी थी। लिस्टिंग काफी बेहतर रही, ट्रेंड परफॉर्मिंग दिखा, लेकिन इस समय जो ओपन मार्केट से जिन्होंने बाइंग करा है वो इस समय काफी कंफ्यूज रहे होंगे कि इस समय इसको एग्जिट करें कि होल्ड करें, क्योंकि आज इस स्टॉक में 3% की गिरावट दिखी है। तो आगे के न्यूज और ट्रेंड को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस समय आज के कामकाज को देखेंगे, क्योंकि न्यूज तो कुछ भी नहीं है। जो एमडी के तरफ से कमिटमेंट आए थे वो हमने कल ही आपसे डिस्कस करके बता दिया। और यहाँ देखेंगे 8 लाख के आसपास का सप्लाई है, जबकि बाइंग ओनली 1.8 लाख दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 1.8 लाख और जो सेलिंग है वो 8 लाख के आसपास का है। 35 लाख के टोटल वॉल्यूम रहे, डिलीवरी ठीक ठाक है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ सप्लाई आते दिख रहा है, मुझे लगता है कि इस समय इस स्टॉक में कॉशन होना चाहिए। कल हमने क्या कहा था, इस स्टॉक में जो भी लोग बड़े टारगेट को देख रहे हैं, यानी कि 1100 से लेकर के 1500 को, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस लेवल से ब्रेकआउट। अगर इस लेवल से ब्रेकआउट करता है तभी बड़े ट्रेंड को लेंगे। ये जो जोन है, अपर साइड का लेवल है 980 और लोअर साइड का है 900, और ये लोअर साइड अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया फिर ये बड़ी गिरावट दिख सकती है, जो स्टॉक को 840 700 के दो लेवल दिख सकते हैं। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लॉन्ग 980 के ऊपर ही करेंगे, ये एक कंसोलिडेट जोन है। 900 के नीचे और भी वीकनेस आएगी, क्या ये क्रैश करके 500 हो जाएगा, तो 500 तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन 700 तक के लोअर साइड क्लोजिंग बिलो 900 दिख सकता है।